जीवन शैली में तेज़ी से बदलाव के कारण अनियंत्रित मधुमेह और ब्लड प्रेशर के कारण और सबकी लाइफ में बढ़ते तनाव के कारण लोगों के बीच हृदय रोगियों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। पहले जहां यह बीमारी केवल अधिक उम्र के लोगों में देखने को मिलती थी, लेकिन आज के समय में युवाओं में भी यह बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इसका कहीं ना कहीं कारण जो है हमारी अनियमित दिनचर्या ही है। अनियमित दिनचर्या के साथ साथ जो दैनिक जीवन में जो तनाव बढ़ रहा है वो भी हृदय रोगों का कारण बनता चला जा रहा है और इन्हीं सब कारणों से हृदय रोगों से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए सितंबर के आखिरी सप्ताह में हृदय दिवस विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है और इसके बनाने का उद्देश्य यही होता है कि समाज के हर व्यक्ति को हृदय रोगों से बचाव संबंधी जानकारी मिल सके और इन उपायों को करके वो अपने को इन बीमारियों से बचा सके। तो हृदय रोगों के होने का सबसे बड़ा कारण जो है हमारा जो खान पान है, क्योंकि हमारा खान पान काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है और हम जैसे जैसे फास्ट फूड का सेवन ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं, घी तेल की मात्रा हमारे भोजन में काफ़ी ज़्यादा हो गई है। जो आजकल के अधिकांश युवा है वो मादक द्रव्यों का यानी कि शराब सिगरेट का सेवन ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं और खाने में तली भुनी चीज़ों का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं। तो इन सभी कारणों से जो खान पान में हम गड़बड़ी कर रहे हैं, इसकी वजह से हृदय रोगियों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इसके साथ साथ जो है जो फिजिकल एक्टिविटी है यानी कि जो कसरत एक्सरसाइज व्यायाम योग, ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन में धीरे धीरे ये कम होते चले जा रहे हैं। तो ये सभी कारण मिलकर जो है अल्टीमेटली हृदय रोग को जन्म देते हैं। तो क्या क्या उपाय हैं हम इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे कि किन उपायों के द्वारा आप स्वयं का हृदय रोगों से बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण जो उपाय है वो है कि हमारा भोजन हमारा संतुलित होना चाहिए। इसमें कोलेस्ट्रॉल वाले आहार द्रव्यों या जो भी फैटी डाइट है वो कम से कम होना चाहिए। खाने में फाइबर युक्त आहार का सेवन हमें ज़्यादा करना चाहिए। फाइबर युक्त में आपके पास जौ है, बाजरा है, चना भी ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में एक तो कोलेस्ट्रॉल कम होता है, कैलोरी वैल्यू भी कम होती है, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होती है। सब्जियां हमें प्रचुर मात्रा में लेनी है और विशेष रूप से जो पत्तेदार सब्जियां हैं, पत्तेदार सब्जियों में बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स और जो अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अल्कोहल और धूम्रपान का सेवन जितना कम से कम हो सके हमें इनका पालन करना चाहिए और जितना जल्दी छोड़ सके हमें जो भी नशे वाली चीज़ें हैं, शराब है, उन सबको छोड़ देना चाहिए। जो दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है वो है नियमित रूप से योग और व्यायाम। किसी भी व्यक्ति को कम से कम प्रतिदिन आधा घंटा योग करना चाहिए और इससे हमारे शरीर में जो है रक्त संचरण की प्रक्रिया ठीक होती है और रक्त संचरण की प्रक्रिया ठीक होने से हृदय रोगों का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। तो प्रतिदिन आपको आधा घंटा योग या व्यायाम के लिए समय जरूर निकालना चाहिए और नियमित रूप से इसे करना चाहिए। अगर आप पहले से ही ब्लड प्रेशर का मरीज हैं तो आपको अपना ब्लड प्रेशर नियंत्रित करना चाहिए। ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने के लिए बहुत सी औषधियाँ हैं, आयुर्वेद में भी हैं, एलोपैथ में भी हैं। तो आपको चिकित्सक से सलाह लेकर जो औषधियाँ आपके लिए उचित हो आपको उसको नियमित रूप से सेवन करना चाहिए और अगर आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहेगा तो हृदय रोग की संभावना बहुत ही कम रहेगी। ब्लड प्रेशर के अलावा अगर आप डायबिटिक हैं और आपका शुगर कंट्रोल नहीं है तो चिकित्सक से सलाह लेकर शुगर को जल्द से जल्द नियंत्रित करें, क्योंकि शुगर भी यानी कि डायबिटीज़ भी हृदय रोगों का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। अर्थात जितने भी लाइफ स्टाइल डिजीज है, चाहे ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो या किडनी से संबंधी अगर कोई रोग हो, तो जल्द से जल्द चिकित्सक से सलाह लेकर इन सभी को नियंत्रित करने की कोशिश जरूर करें। जो अगला महत्वपूर्ण उपाय है वह है कि तनाव पे काबू रखें, क्योंकि आजकल की जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसमें तनाव बहुत ज़्यादा है। चाहे हम घर पे बैठे हों या बिजनेस में हों या ऑफिस जॉब में हों, हर जगह तनाव का स्तर जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो जो भी आपके काम हो, काम को खुशी खुशी करें, तनाव कम से कम लें, क्योंकि तनाव जो है बहुत से रोगों का जनक होता है। तनाव लेंगे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, नींद की समस्या होगी और इन सब के साथ साथ जो है आपको हार्ट डिजीज का भी रिस्क बना रहेगा। तो तनाव कम से कम लें, हमेशा खुश रहने, प्रसन्न रहने की कोशिश करें। वजन को नियंत्रित रखना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है हृदय रोगों के लिए। जितने लोग ज़्यादा मोटे होते हैं उनमें हृदय रोग का खतरा उतना ही ज़्यादा होता है। तो जो भी उपाय हो, चाहे आहार विहार पे नियंत्रण करके
या दवाइयों का सेवन करके, फैटी डाइट को कंट्रोल करके, इन सारे उपायों के द्वारा अपने वजन को नियंत्रित जरूर करें। अगर आपका वजन नियंत्रित रहेगा तो आपको हृदय रोग होने की संभावना उतनी ही कम रहेगी। इसके अलावा बहुत सी ऐसी आयुर्वेद की औषधियाँ भी हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं आपको हृदय रोगों से बचाने में। तो हृदय रोगों के लिए सबसे ज़्यादा आयुर्वेद में अर्जुन के योग का प्रयोग किया जाता है। अर्जुन में आप अर्जुन चूर्ण ले सकते हैं, अर्जुन का छिरपाक ले सकते हैं, अर्जुन आरिस्ट ले सकते हैं, और मार्केट में आपको अर्जुन के कैप्सूल्स भी मिल जाएंगे, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी क्लासिकल मेडिसिंस होती हैं जिसमें हृदयाणव रस है, प्रभाकर रस है, नागार्जुनाभ है, ऐसी सैकड़ों औषधियाँ हैं जो हृदय रोगों में काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँचाती हैं। तो किसी भी वैद्य से सलाह लेकर आप इन औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं और अपने हृदय रोग पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ऐसी हेल्थ संबंधी वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।